तो गाइस अभी यहाँ से ना पत्थर गिर रहे हैं हल्के हल्के छोटे छोटे, इसलिए अभी आगे नहीं जा रहे। देखो गाड़ियां भी पीछे भी जा रही। और भाई इतना कीचड़, इतना कीचड़। ये देखो, ये तो मेरी हालत है, आगे के पूरा बैक कीचड़ कीचड़, यहाँ कीचड़, ये देखो भाई। अरे भैया, और उछल के पूरा पीछे देखो, लाइट तो मेरी पूरी ढक गई है। ऑलराइट, तो भी बज रहे सुबह के 6:30 और आज फाइनली मैं करने वाला हूँ यहाँ से साइकिलिंग उत्तरकाशी के लिए। तो भाई फाइनली 4 दिन बाद अब मैं अपनी साइकिल में बैठने जा रहा हूँ। आवाज देखो मेरी थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि यार गला परसों खराब था ना, तो उसकी वजह से आवाज थोड़ी सी हार्श हो गई है। तो अभी मैं हूँ नंदगांव में, तो पैकिंग तो पूरी कल रात को कर दी थी, बस थोड़ा बहुत ये टेंट और मेरा हेलमेट और साइकिल का कुछ सामान था वो रह गया है। फोन करते रहे ना। फाइनली अब हम नंदगांव को छोड़ रहे हैं 4 दिन बाद। अजीब सा लग रहा है यार, मतलब 4-5 दिन यहाँ पे बिताए, उसके बाद यहाँ से निकल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब यहीं आया था बस घूमने में। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं आगे की यात्रा करने। आई होप आगे की यात्रा हमारी मंगलमय हो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारी जी। आई एम योर फ्रेंड नीरज भंडारी। निकला हूँ 4 धाम सोलो साइकिल यात्रा में। ये है मेरा एपिसोड 5। 4 दिन से था मैं नंदगांव में, अब निकला हूँ मैं अपनी यात्रा के लिए। जो नेक्स्ट धाम होने वाला है वो है गंगोत्री। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी अगेन। तो यार अभी 2-3 किलोमीटर ही नीचे आया हूं मैं ऊपर गाँव से। तो ये श्रीफल है, मैं इनके जो गाँव के देवता है मैंने अर्पित कर देता हूँ पहले, सो दैट की आगे की राइड मेरी काफी अच्छी हो। तो यार पूरे 4 दिन बाद साइकिल चलाने में इतना मजा आ रहा है ना भाई, इतना मजा, ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से साइकिलिंग नहीं करी यार। बट है कि पहले जितनी एनर्जी नहीं है मेरी बॉडी में भी, क्योंकि अभी बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन और लगेंगे। और मेरी आवाज तो देख लो कैसी हो गई है, कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो चलो गंगोत्री मैया का नाम लेते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। आज की मेरी डेस्टिनेशन जो है, मैंने सोचा उत्तरकाशी मेन मार्केट, विच इज 90 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, एंड जिसमें मेरी 20-25 किलोमीटर की ना खड़ी चढ़ाई होने वाली है, और उसके बाद ना मतलब एवरेज सी है, मतलब हल्की हल्की चढ़ाई और प्लेन और ढलान। आई होप फॉर द बेस्ट। जेसीबी की खुदाई। एक तो मैं यहाँ से थोड़ा लेट निकला हूँ, थोड़ा क्या मतलब काफी निकला हूँ, 8:30 बजे, क्योंकि फिर अंकल आंटी ने बोला बेटा नाश्ता वास्ता कर अच्छे से। तो चलो इतना की नाश्ता वगैरह हो गया, पर थोड़ा सा लेट निकला हूँ, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि आज उत्तरकाशी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज 95 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं यार, वो भी ऐसे बीमार शरीर के लिए। अभी देखा किसी साइकिलिस्ट को ब्रश करते हुए साइकिल चलाते चलाते। तो यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रुकने का, साइकिल में चलते चलते ब्रश कर रहा हूँ। कभी देखा है किसी साइकिलिस्ट को साइकिल टूरिंग करते हुए इतने सामान के साथ ब्रश करते हुए? आगे से लड़की अभी आ रही है, डर रहा हूँ आ रही है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया, उस जगह का नाम है दोबाटा। होता क्या है कि यहाँ से हम लोग देहरादून से आते हैं, तो इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं, तो यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे जो जाता है यमुनोत्री के लिए, और यहाँ से एक ऊपर जाता है जो होता है हर्षिल होते हुए गंगोत्री के लिए। तो यमुनोत्री करके हमें ना इस जगह वापस आना होता है, देन यहाँ से चढ़ाई करते हुए मतलब उत्तरकाशी हर्षिल होते हुए गंगोत्री जाना होता है। अब यहाँ से मेरी 18-22 किलोमीटर की एक जगह है राडी टॉप, वहाँ तक की मेरी खड़ी चढ़ाई है। ये देखो फ्रेश लैंडस्लाइड्स। और ऐसे अभी तो मुझे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स मिलने वाले हैं। को पहन के ना विंडचीटर पहन के बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। अब मेरा ऐसा था कि मैं एकदम से इसको निकाल नहीं सकता था, क्योंकि फीवर था ना कुछ दिन पहले, तो फिर ठंड लग जाती है, तो अब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो उसको उतार ही देता हूँ। तो अभी तो मेरी चढ़ाई स्टार्ट ही हुई है, मतलब अभी तक मैंने सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही कवर किया है, अभी तो 15-16 और करने हैं मुझे। और भाई पसीना बहुत तगड़ा आ रहा है, क्योंकि विंडचीटर पहन के भयंकर गर्मी लगी थी। तो यार एक बात बोलना चाहूंगा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तब मेरा ये दोस्त था ना जिसके घर में मैं रहा पिछले 4 दिन से, इसने और इसकी फैमिली ने जो मेरी केयर की ना भाई, मैंने आज तक ऐसी केयर कभी कहीं और जाके नहीं देखी। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मुझे घर लेके आना, फिर मेरा बीमार पड़ जाना, और उसके बाद मेरा चल भी नहीं पा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मैं खा भी नहीं पा रहा था, एक चीज बेड में रजाई डालने से लेके मुझे सर के पीछे हाथ लगा के उठाने तक, वो सिद्धांत मेरा दोस्त बार बार मेरी पट्टी करने में लगा हुआ था। उसकी मम्मी मेरे लिए तुलसी की चाय ला रही, उसके पापा मेरे लिए मार्केट से दवाइयां लेके आ रहे, अपने कुछ पैथोलॉजिस्ट से बात कर रहे, इनसे दवाइयां मंगा रहे, स्टीम दे रहे मुझे, मेरे हाथ पे खाना ला रहे, मतलब इतनी केयर भाई। एक चीज तो है कि चीजें आगे कैसी भी हो, बट अभी तक जो हो रहा मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, कि ये चीज भी मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली। यही यार ट्रैवलिंग का ये फायदा होता है कि तुम सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हो, डेस्टिनेशन के बीच का जो मजा होता है ना उसको भी इंजॉय करते हो, एंड उससे बहुत कुछ सीखते हो। तो वही सिद्धांत करते हुए देख रहा है, मतलब तू देख ही रहा होगा, तो थैंक यू सो मच भाई, और अंकल आंटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। मैं ये छोटी छोटी चीजें मतलब ट्रिप को सक्सेसफुल कर देती है यार। और ऐसा भी नहीं कि मैं उसे वहां पे बीमार पड़ा रहा, 1-2 दिन बीमार रहा, उसका ठीक हुआ, फिर मैं उनके साथ खेत में धान काटने गया, खेत में बैठ के हम लोगों ने साथ में खाना खाया, और उन्होंने मुझे अपनी मतलब ट्रेडिशनल डिशेस भी खिलाई। तो यार ये सब चीजें ना मतलब बहुत रेयर होता है, अगर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना तो यू आर सो लकी।
जैसे कि मैं हूँ अभी। भैया देखो जाते थे, आंटी ने मुझे इतने सारे अखरोट दे रखे, इतने सारे, और सुबह सुबह मेरे कॉर्न यानी कि भुट्टे वो मतलब चार पांच ऐसे गर्म करके दे रखे ताकि मैं रास्ते में से खा सकूं भाई साहब। तो यार राड़ी से ना थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पे ना टनल का काम चल रहा है। तो ये जो टनल है ना, यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर एक जगह है सिल्की आरा, तो वहाँ निकलेगी, जिसकी वजह से ना चढ़ाई कर चढ़ना मतलब बंद हो जाएगा, तो ये काफी शॉर्ट हो जाएगा। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज भरा होता ना तो मेरी मजा आ जाती भाई, कितना तेज बोल भी नहीं पा रहा मैं। तो यार अभी पीछे से आ रहा था ना मैं, तो रास्ते में ना बहुत कीचड़ था, तो मेरे पूरे टायर में कीचड़ जम गया है। तो भाई जब कीचड़ जमे ना तो उसको फटाफट पानी से धो दो, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है टायर का, और फिर उसकी वजह से फ्रिक्शन भी ज्यादा होता है, और आपको पता है फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फिर अपोज करेगा और स्पीड कम होगी, फिजिक्स ब्रो। भाई इतने आज तो चढ़ाई करने में इतना मजा आ रहा है ना, मतलब इतने टाइम बाद इतना साइकिलिंग कर रहा हूँ, और भाई व्यू देखो ना यार क्या जबरदस्त है यार। मैंने एक चीज रियलाइज तो की है कि वो बोलते ना कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट द जर्नी, इट्स अबाउट हाउ यू एंजॉय द जर्नी, व्हाट यू डूइंग दैट मेक्स योर जर्नी ब्यूटीफुल। तुम एंजॉय करना चाहते हो, तुम किस तरीके से उसको एंजॉय करते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। तो अभी ऊपर आया हूँ मैं, 11-12 किलोमीटर ऊपर आया हूँ, और ना हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। तो इस बार सामान तो मैंने फुल वाटरप्रूफ कर रखा है, बट आगे का स्लीपिंग बैग भी किया था पर थोड़ा बहुत रह गया था। तो ये देखो कट्टा लगा दिया मैंने आगे एसीसी सीमेंट का, एसीसी सीमेंट वालों स्पॉन्सर मी। तो अभी 7-8 किलोमीटर की और चढ़ाई बची है, तो सोचा भुट्टा खा लो, आंटी जी ने इतना सुबह बनाया था मेरे लिए। अभी तो बहुत सारे हैं। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ राड़ी टॉप में, मतलब जो चढ़ाई करनी थी वो मैंने पूरी कर ली है, और मुझे मतलब 2.5 घंटे के आसपास लगे, क्योंकि ज्यादा पुश नहीं कर रहा था मैं, ऐसी बॉडी इतनी वो ही नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ओवर पुश नहीं कर रहा था। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू बिहाइंड मी, वहां नीचे से मैं आज आया हूँ फाइनली ऑन टॉप। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टाइम बाद ऐसे टॉप पे आने की फीलिंग हो रही है। लेट्स गो। अब यहाँ से जो रेंज स्टार्ट होती है उसे कहते हैं धरासु रेंज, और यहाँ से ना मोस्टली ढलान है और प्लेन प्लेन और थोड़ी बहुत चढ़ाई है। उससे पहले यहाँ पे हनुमान मंदिर था तो मैंने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए, बिकॉज अभी शक्ति की बहुत जरूरत है मुझे। ओहो बहुत ज्यादा ढलान है अभी, और भाई क्या मस्त ढलान है यार, रोड की कंडीशन देखो क्या जबरदस्त, एंड ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आ रही है, और लेफ्ट और राइट पे चीड़ के पेड़, आए हाय हाय। थोड़ा ठंडा हो रखा है इसलिए मैंने विंडशील्ड डाल दिया, बट एक प्रॉब्लम मेरा ऊपर ना, पर मौसम थोड़ा काला काला हो गया है, तो लेट्स सी की हुंदा सी। फिलहाल तो मैं डाउनहिल का मजा लेता हूँ, ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो यार अभी मैं थोड़ा नीचे पहुंचा हूँ, यहाँ पे तो ना रोड काफी चौड़ी है, मतलब ये देखो, और अभी ट्रैफिक भी नहीं है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में, गड्ढे वड्ढे नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत सुना है मेरा आगे, मेरा कोई दोस्त है उसने कहा था कि आगे थोड़ा बहुत ख़राब है, जैसे ये देखो फ्रेश लैंडस्लाइड एकदम। ओहो कीचड़ 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 प्लस ट्रैफिक दोनों, एक पे पहाड़ टूटे हुए ना तो अभी बन ही रहे रास्ते, उसकी वजह से कीचड़ बहुत हो रहा है यहाँ पे यार, और कीचड़ से मुझे बहुत नफरत है। जब सामान होता है ना तब बहुत ज़्यादा नफरत होती है, क्योंकि सामान में जाता है वो कीचड़ बहुत ज़्यादा। हाँ कितना धुआं छोड़ रही गाड़ियाँ, ये देखो क्या हरे भरे पीले खेत है यार, उत्तरकाशी की ना अलग ही बात है यार आगे खेतों की। तो गाइस अभी यहाँ से ना पत्थर गिर रहे हैं हल्के हल्के छोटे छोटे, और यहाँ से भी देखा मैंने छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, अभी आगे नहीं जा रहे, देखो गाड़ियाँ भी पीछे पीछे आ रही। तो पीछे ही लैंडस्लाइड से मैंने और कुछ टू व्हीलर्स थे तो अपनी गाड़ियाँ निकाल ली, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जमीन में गिरे हुए थे, जिसकी वजह से फोर व्हीलर वाले नहीं जा सकते अभी वहाँ से आर पार, जब तक बुलडोजर आके उन पत्थर को नहीं हटाएगा। तो यार अभी मैंने बहुत सारे किलोमीटर कवर कर लिए हैं, और भाई इतना कीचड़, ये देखो ये तो मेरी हालत है, बाइक की हालत देखो, आगे के पूरा बैक कीचड़ कीचड़, यहाँ कीचड़, ये देखो भाई, अरे भैया, और उछल के पूरा पीछे देखो, लाइट तो मेरी पूरी ढक गई है। तो भाई आज तो भाई इसको पूरा साफ करना पड़ेगा अच्छे से रात को, मतलब आज तो फिलहाल यहाँ पे कोई ढाबे वगैरह नहीं है, तो सोच रहा हूँ मतलब ये जितने भी भुट्टे हैं इनको यहीं पे खत्म कर दूँ। तो भुट्टे खाने के बाद भाई धूप बहुत ही खतरनाक चुभने लग गई है, अजीब सी धूप हो रही है, मतलब बहुत ही खतरनाक चुभ रही है। दिन के 2 बज रहे हैं और उत्तरकाशी रह गया 35 किलोमीटर। तो भाई अभी जस्ट मैंने क्रॉस किया धरासू बैंड, यहाँ से बचता है 32 किलोमीटर उत्तरकाशी, एंड यहाँ पे ना थोड़ा धूल वूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही थी, तो यार फिर मेरे यहाँ पे खाना खाने का मन नहीं किया। आगे जाके फिर उन्होंने कहा कुछ है थोड़ा बहुत खाने पीने का, तो मैं वहीं जाके खाता हूँ। यह है कि थोड़ी चढ़ाई है फिर उसके बाद सीधा सीधा है, अब ढलान वगैरह नहीं बची हुई है, क्योंकि अब मैं नदी के किनारे किनारे चलूंगा यहाँ से उत्तरकाशी तक, बाकी रोड तो काफी चौड़ी है भाई। तो उत्तरकाशी रह गया 25 किलोमीटर, और ये रही मेरी थाली, इसमें चावल भी इंक्लूडेड है, और बस फिर इसको खाता हूँ निकलता हूँ यहाँ से। आहा मजा आ गया खाना खाने के बाद, और बेस्ट पार्ट इज की अभी धूप भी नहीं हो रही है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज धूप थी, अभी क्या हो गया ना आसमान में बादल आ गए घने, उसकी वजह से मैं अभी चला पा रहा हूँ मजे से। देखो कैसे अभी भी मैंने दिन में 3 बज रहे हैं और मैंने विंड शीटर डाल रखा है, और मैं पहुंचने वाला हूँ मातली, मातली यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर, और 21 किलोमीटर रह गया उत्तरकाशी। यहाँ पे ना थोड़ा ओपन ओपन सा लग रहा है, खेत वेत सब बगल में ना, तो मस्त वाइब आ रही है यार यहाँ पे। मेरे जस्ट पीछे हरे हरे खेत,
पर मेरी आवाज फटने में लगी, मेरी आवाज और फटने में लगी हुई है। सोचा था चलते चलते ठीक हो जाएगी पर और ज्यादा खराब हो रही है। तो अभी मैं पहुंचा इस जगह पे जिसका नाम है डूंडा। यू नो तरकाशी और गढ़वाल के पहाड़ों में ना यही फर्क है कि जो हमारा गढ़वाल है ना वो थोड़ा बंद बंद से लगता है, मतलब ऐसा लगता है इस पे पहाड़ है फिर नदी है फिर उस पार पहाड़ है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे रोड के किनारे भी इस साइड पूरे खेत है, राइट साइड भी खेत है, फिर उसके बाद नदी, फिर दोबारा खेत, फिर उस साइड घर, ऐसे देखो तो मतलब बहुत ही खुला लगता है। आप ऐसा लगता है कि चलो बंद बंद सा नहीं, कंजेस्टेड सा नहीं लगता। तो यार उत्तरकाशी रह गया सिर्फ 10 किलोमीटर। अरे यार आसमान देखो कैसा हो गया, ऊपर बादल आ चुके काले काले। उत्तरकाशी में मेरे एक दोस्त है पृथ्वी, उनके घर रहूंगा आज मैं। तो गाइस ये है मातली, में हमें मिलने आए हैं, ये है तन्मय, ये हमें तब से देख रहे हैं। इन्होंने कब से देख रहे हो ये? हाँ भाई 1000 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ, जब से 1500 समथिंग थे। ये मातली आए थे ना, तो इन्होंने बोला कि मुझे मातली में मिलना। मिलते यार देहरादून में तो मुझे काफी लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, पर जब घर से इतना दूर आओ और वहाँ पे कोई मिले तो फिर और अच्छा लगता है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है और जो मिलने वाला है उसको भी अच्छा लगता है। 9 घंटे साइकिल चलाने के बाद फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं उत्तरकाशी। तो इस टनल को पार करते हुए जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं मेरी मार्केट में अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम में स्टेटस डाला था कि मैं उत्तरकाशी पहुँच गया, तो लोग कह रहे भैया रुक जाओ मिलने आ रहे हैं आपसे। तो भाई ये दोनों आ गए मिलने के लिए। क्या क्या नाम है तुम्हारे? और ये इसने मैसेज किया था मेरे को और ये आ भी गया। चलो बढ़िया बढ़िया, और घर भी चल जाना, रात हो रही है। ठीक है बाय बाय, मेरे को भी साइकिल में रखे। तो यार अभी 8 दिन बाद साइकिल चला।